सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक न्यू कमाल की वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं अपने चेयर को स्मूथ करना और साथ ही अपने बैकग्राउंड को फुल HD के अंदर एडिट करना आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो गाइस देख सकते हो मेरी फोटो कितनी कमाल से लग रही है। इस टाइप का फोटो एडिटिंग आप भी सीखना चाहते हैं, मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाने की कोशिश करी है। पक्का है कि आप इस वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेते हैं, इस टाइप का फोटो एडिटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से सीख जाएंगे। गाइस अगर आपको भी सीखना है इस टाइप का फोटो एडिटिंग, तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच कर लेना। इससे पहले अगर गाइस चैनल पर नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी इस तरह का वीडियो मिलते रहेंगे आप लोग। तो चले गए बिना देर के साथ वीडियो को, लेट गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप गए, तो सबसे पहले आप लोग अपना स्नैपचैट एप्लीकेशन ओपन करना है। अगर ये ऐप आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे, तो आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर लेना। आप लोग का पे प्लस वाला आइकन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ से अपनी फोटो को ऐड कर लेना है, आप जिस भी फोटो को यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं। ओके, तो गाइस मैंने ऐसे अपनी फोटो को ऐड कर लिया, देख सकते हैं मेरी फोटो कितनी बेकार सी है। इस फोटो को मैं आप लोग को एडिट करना सिखाने वाला हूँ। तो पहले आप लोग मेरी ओरिजिनल फोटो को देख सकते हो। तो सिंपली आने के बाद में आप लोग को टूल वाला ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ, तो इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आप लोग ऊपर की तरफ टून इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना। ओके, करने के बाद में गाइस आप लोग यहाँ पे कंट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज कर लेना। ओके, तो कंट्रास्ट को इतना इंक्रीज कर लेना है। और करने के बाद नीचे आना है, सेचुरेशन को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेना है लगभग इतना, और आप लोग अम्बाइंस को इंक्रीज कर लेना है लगभग इतना रख लीजिएगा। ओके, अब आप लोग हाईलाइट को हल्का सा डिक्रीज कर दीजिएगा। तो नीचे को स्क्रॉल करना है, शेडो को इंक्रीज कर लेना, जिससे मेरे फोटो एंड बैकग्राउंड के अंदर चमक आ जाए, देख सकते हो। ओके, इतना आप रख लेना। और आप लोगों का नेट नीचे राइट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से इसको राइट कर देना। ओके, सिंपली यहाँ से अपनी फोटो को बिफोर एंड आफ्टर भी दे सकते हो। तो फिर से आप लोग को टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पे हीलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद में आप लोग को जितने भी पिंपल्स वगैरह गए ना अपने चेहरे के ऊपर, तो इसको यहाँ पे हटा सकते हो आप लोग। इस पर फोटो पे टैप कर करके कुछ इस टाइप से अपनी फोटो में जितने भी पिंपल वगैरह के दाग हो ना, तो आप लोग ऐसे ईजिली हटा सकते हैं। तो आप लोग भी कुछ इस टाइप से हटा लेना है। ओके, तो यहाँ से अपनी फोटो को बिफोर एंड आफ्टर भी दे सकते हो, अब यहाँ से कर देना राइट। गाइस आप लोगों को इतना करने के बाद में फिर से टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आप लोगों को नीचे ब्लर लेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में आप लोगों को नीचे आना है, ट्रांजिशन को 0, इसके सर्किल को उठा के नीचे को लेके आना है। देन आप लोग इसकी ब्लर स्टाइल लेंथ को इंक्रीज कर लेना लगभग इतना रख लेता हूँ। देन आप लोग यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको राइट कर देना, ठीक है। अब इतना करने के बाद में आप लोग ऊपर क्रॉस तिल वाला आइकन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना। और आप लोग को यूडिट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ से ब्लर लेंस पे क्लिक करना है, यहाँ से बुश को सिलेक्ट कर लेना। देन आप लोग को सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे आप लोग को बुश की साइज को 100 रख लीजिएगा, और रखने के बाद में कुछ इस तरह से अपने बैकग्राउंड के अंदर इस बुश को ड्रॉ कर दीजिएगा। तो काफ़ी मस्त तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को ऐसे ब्लर कर सकते हैं। तो कहते आप लोग भी कुछ स्टेप चेक कर लेना अपनी फोटो के किनारे पर, आराम से कर लीजिएगा। अगर गलती से आप लोग अपनी बॉडी के ऊपर हो जाए ना इस टाइप से, तो यहाँ से बुर्ज की को 0 कर सकते हो। तो ये मैं करके दिखा देता हूँ आप लोग को, और यहाँ से आप लोग इसको इरेज भी कर सकते हैं। तो कहते आप लोग जितना टाइम दे सके उतना आराम से अपनी फोटो यहाँ से ब्लर कर सकते हैं। तो चलेगा जिसको मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ओके, तो सिंपली आप लोगों को ऐसे कर देने के बाद नीचे की तरफ आप लोगों को राइट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से इसको राइट कर दीजिएगा, और सिंपली इसको यहाँ से बैक कर देना। तो यहाँ से अपनी फोटो को बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हो। तो सिंपली आप लोगों को फिर से टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और नीचे की ओर गए आप लोग यहाँ पे पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में आपके सामने पे बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे स्मूज 2 को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ उसको यहाँ से, और इसकी स्किन स्मूथी को 100 कर लेना है, और आप लोग का आई क्लिट को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है लगभग इतना। देन आप लोग का पे पासपोर्टिंग लाइट को इंक्रीज कर लेना है इतना। ओके, तो सिंपली ऐसे इसको डन कर देना है। गाइस जैसे अपनी फोटो को ऑल टू ऑल देते हो, तो कितनी मस्त एडिटिंग हो चुकी है। अब आप लोगों को नहीं यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में आप लोग का पे शेयर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस फोटो यहाँ से शेयर कर देना है और टुडे स्केच बुक के अंदर। तो ओके, तो यहाँ से इसको शेयर कर देना है। देन गाइस ऑटोडे स्केच बुक में आने के बाद में आप लोग ऊपर लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने, तो ये इस पर क्लिक कर देना है।
देन क्लिक करने के बाद में आप लोग पे समझ के बूस्टर्स मिल जाएंगे, तो इसमें से ये सियरा टूल इसको सिलेक्ट कर लेना है। और करने के बाद में आप लोगों को नीचे सेकंड नंबर वाले बूस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में इसकी सेटिंग को जो मैं रख रखा हूँ वह आप लोग रख लीजिएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। देन क्लिक करने के बाद में आपके सामने पे बिंदी वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना। तो राइट करोगे साइज ज़्यादा होगी और लेफ्ट करोगे साइज कम होगी, तो आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग रख सकते हो। देन आप लोगों को अपनी फोटो को कर देना जूम, उसी टाइप से आप फोटो के साइज को एडजस्ट कर लीजिएगा और राउंड राउंड करके अपने स्किन को यहाँ से आप लोग यहाँ पे स्मूथ कर सकते हैं। तो क्या जैसे मैं कर रहा हूँ ना, तो आप लोग भी कुछ इस टाइप से उसको राउंड राउंड करके चलाएंगे तो आपकी भी स्किन स्मूथ हो जाएगी यहाँ से। तो क्या आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा, जितना टाइम दे सके उतने अपनी फोटो यहाँ से काफ़ी मस्त स्मूथ कर सकते हैं। तो चलेगा जी, इसको मैं भी फटाफट से कर लेता हूँ। ओके तो क्या जैसे देख सकते हो मेरा चेहरा काफ़ी मस्त तरीके स्मूथ हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना चेहरा स्मूथ हो चुका है। देन इतना कर देने के बाद में आप लोग को इस तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये रहा, इस पर क्लिक कर देना है और आप लोग का पे एड फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है और गैलरी में से ऐसे एक बोकेह पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो पीएनजी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सो ओके, तो गाइस मैंने ऐसे अपनी बोकेह पीएनजी को ऐड कर लिया। करने के बाद में उसको यहाँ पे इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है लगभग इतना, और आप लोग ऐसे इसको राइट कर देना है। राइट करने के बाद में आप लोग को यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके ब्लेंडिंग मोड को ऐसे इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन कर देने के बाद में जो भी इफेक्ट अपने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है तो इसको हटाने के लिए इस लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और करने के बाद में आप लोगों को इस लाइब्रेरी में जाना है, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और करना है। तो करने के बाद में आप लोग यहाँ पे इरेज वाला बूस्ट मिल जाएगा, सिंपली आप लोग यहाँ से इरेज वाला बूस्ट को सेलेक्ट कर लें, इसकी सेटिंग को 100 अमाउंट को, और अपनी जो भी इफेक्ट ये बोके अपनी स्किन के ऊपर आ रहा है तो आप लोग यहाँ से इरेजर की मदद से इसको यहाँ से हटा भी सकते हो। तो ओके, अब गाइस इतना होने के बाद में आप लोग लास्ट में थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिएगा और करने के बाद में इस फोटो को यहाँ से शेयर कर देना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो गाइस लाइटरूम एप्लीकेशन में आने के बाद में ऑल फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना। देन क्लिक करने के बाद में गाइस आप लोग को यहाँ पे लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ से कंट्रास्ट को इंक्रीज कर लीजिएगा लगभग इतना, और हार्ड लाइट हाई लाइट को इंक्रीज 100% डिक्रीज कर दीजिएगा, शेडो को इंक्रीज कर लेना। अब यहाँ से कर देना ओके। देन नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में आप लोग का पे मिक्स टूल मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना और आप लोग का फर्स्ट कलर की सिचुएशन को इंक्रीज कर लेना। नेक्स्ट आप लोग को सेकंड कलर से जाना है, सिचुएशन को इंक्रीज और लुमिनस को इंक्रीज कर लेना, जितना आप अपने चेहरे को वाइट करना चाहते हैं। तो सिंपली मैं इतना रख लेता हूँ उसको। नेक्स्ट आप लोग का पे ग्रीन कलर्स में आना है, सॉरी येलो कलर्स में आना है, इसकी सिचुएशन को डिक्रीज और ये ग्रीन कलर की भी सिचुएशन को डिक्रीज कर सकते हैं। एंड आप लोग का पे पर्पल कलर में आना है, इसकी सिचुएशन को डिक्रीज और ब्लू कलर्स में आना है, इसकी सिचुएशन को इंक्रीज कर लेना है। तो यहाँ से जब अपनी फोटो को बिफोर एंड आफ्टर भी देखो, काफ़ी चेंज मेरी फोटो में आ चुका है। नेक्स्ट आप लोग का पे डन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से इसको डन कर दीजिएगा ओके। नेक्स्ट आप लोग का पे इफेक्ट वाले टूल्स मिल जाएगा, तो गाइस इस पर क्लिक कर देना। देन क्लिक करने के बाद में आप लोग का पे क्लैरिटी को इंक्रीज और टेक्स्ट्री को भी इंक्रीज कर लेना। नेक्स्ट आप लोग का पे डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट आप लोग का पे नीचे स्क्रॉल करना है, तो इसकी नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज कर लेना लगभग इतना और कलर रिडक्शन को इंक्रीज कर लेना 100% ओके। अब नेक्स्ट आप लोग का लास्ट में ऑप्टिन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना और इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना। तो गाइस यहाँ से ऑल टू ऑल आपकी फोटो कितनी मस्त तरीके से एडिटिंग हो चुकी है, यहाँ पे चेहरा भी काफ़ी मस्त तरीके से स्मूथ हो चुका है। तो यहाँ से अपनी फोटो को बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हो। देन आप लोग को स्टार्टिंग में आना है, तो आप लोग का पे सामने सेलेक्टिव वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना, अपनी फोटो कर देना जूम कुछ शेप से, प्लस वाला आइकन जाके ऐसे बूस्ट को सिलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पर फोटो पे बूस्ट को चला देना है। नेक्स्ट आप लोग के सामने पे कलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना और ऐसे इस कलर को जो भी अपने फोटो का कलर रखना चाहते हैं वहाँ पे रख लेना है। और ऊपर साइड आप लोग को राइट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से इसको राइट क्लिक कर दें।
देन जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो ऑल्ट ऑल आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से एडिटिंग हो के आ जाएगी, जो काफ़ी ऑसम सी लग रही है। जैसे तो कहीं काफ़ी मस्त मेरी फोटो ऐसे लग रही है बिफोर एंड आफ्टर। ओके तो कहीं जैसे अपनी फोटो एडिटिंग हो गई कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट आप लोग को शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो ये इस पर क्लिक कर देना और आप लोग यहाँ पे सेव टू डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस फोटो कैसे सेव कर लीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।